हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हेमलता शर्मा एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू आवर सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इन दिस चैप्टर फॉलोइंग फाइव टॉपिक्स वी शैल स्टडी इन डिटेल। ओके, फर्स्ट वन इज एसिड्स, सेकेंड वन इज बेसिस, थर्ड वन इज पीएच, फोर्थ वन इज इंडिकेटर्स एंड फिफ्थ वन इज सॉल्ट। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज एसिड। ओके, so what are acids? This is the definition of acid. Okay, acids are those chemical substances which have a sour taste and changes the color of blue litmus to red. Okay, so acids are the chemical substance. क्या है ये? Chemical substance which have sour taste, means जो खट्टे होते हैं, ठीक है, and change the color of blue litmus paper to red. जो blue litmus paper को क्या किस में convert कर देते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो एसिड हमेशा ब्लू टू रेड, एसिड हमेशा क्या करते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ठीक है। शॉर्टकट अगर इसका याद रखना हो तुमको तो ए के बाद बी आता है, ए बी सी, तो एसिड बी मीन्स ब्लू टू रेड। ओके, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है। ओके, और बेसिस का इसका जस्ट अपोजिट होता है ना, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, तो यहाँ ए के बाद बी आता है, मतलब एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ऐसा हमेशा याद रखना है आपको। ओके, नाउ वी शैल डिस्कस सम टर्म्स रिलेटेड टू एसिड्स एज फॉलो, ठीक है ना। ये सारे टर्म्स क्या होते हैं वी शुड नो, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। सो ओके, सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनिक एसिड। ओके, फर्स्ट टर्म कौन सा है हमारा? ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। जो भी नेचुरल ऑकरिंग एसिड्स होते हैं हमारे, जो हम लेमन होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, सिरका मीन्स विनेगर में हमारा एसिटिक एसिड होता है, ये सब जो हमारे नेचुरल ऑकरिंग एसिड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरल ऑकरिंग एसिड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड जो सिरके में होता है, विनेगर जिसको बोलते हो आप, सिट्रिक एसिड लेमन में होता है, लैक्टिक एसिड कर्ड दही में होता है, टार्ट्रिक एसिड टैमेरिंड में होता है, मतलब इमली में। ओके, टैमेरिंड मीन्स इमली, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में होता है, फिर फॉर्मिक एसिड एंट स्टिंग, चींटी काटती है या हनी बी कोई भी अपने को इंसेक्ट बाइट करता है ना, तो इंसेक्ट बाइट में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। ओके, सो फर्स्ट टर्म रिलेटेड टू एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड वी हैव स्टडीड। ओके, सेकेंड वन इज मिनरल एसिड। ओके, सेकेंड टर्म इज मिनरल एसिड्स। ओके, द एसिड प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मिनरल एसिड, ठीक है ना। मिनरल्स में जो ऑटोमेटिक बनता है ना उसको हम मिनरल एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा HCl हुआ, जैसे H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, ठीक है ना, ऑल दोज थ्री आर मिनरल एसिड, बट दोज थ्री आर स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड। कैसे हैं ये? बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। और H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो अ मिनरल एसिड, बट इट इज अ वीक मिनरल एसिड। सो वॉट इज मिनरल एसिड? द एसिड प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मिनरल एसिड। ओके, तो स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड कौन से हैं? HCl, H2SO4, HNO3। ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज स्ट्रॉन्ग एसिड। वॉट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वॉट इज वीक एसिड, ठीक है ना। तो एसिड को अपने जब भी वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो H+ डोनेट करता है वो, ठीक है ना। क्या उसमें से रिमूव होता है? H+ निकलता है। जब भी अपने एसिड्स को पानी के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो वो H+ देता है, ठीक है ना। तो H+ अगर ज़्यादा देगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और H+ अगर लेस अमाउंट में देगा तो वो वीक एसिड, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड, एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर, अच्छे से पूरा आयोनाइज हो जाता है एंड प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन। और क्या निकालता है वो, क्या प्रोड्यूस करता है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड के, HCl, H2SO4, HNO3। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड। ओके, सो कैसे आयोनाइज होता है? जैसे HCl है तो वो H+ और Cl- में आयोनाइज हो जाएगा, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, किस में? HCl में और सॉरी H+ में और Cl- में वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। इसलिए HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, लार्ज अमाउंट में इसमें H+ प्रोड्यूस होते हैं। वीक एसिड, एन एसिड विच इज पार्टली आयोनाइज इन वाटर, है ना, जो पार्टली कम्प्लीटली नहीं होता है, पार्टली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन। क्या निकालता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन्स इज कॉल्ड वीक एसिड, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वीक एसिड बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में, वीक एसिड के बाद में हमारा नेक्स्ट टर्म है
कॉन्सेंट्रेटेड, ये तो तुमको पता ही है, छोटी क्लास से, मतलब छोटी क्लास से तो क्या, 6-7 से तो पढ़ते आए हो। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है ना। और डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी ऐड कर रखा है वो डाइल्यूट, फिर भी वो डिफाइन करने के हिसाब से मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो वॉट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एन एसिड विच कंटेन्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है ना। जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर हो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। फिर डाइल्यूट एसिड, एन एसिड विच कंटेन्स मच मोर वाटर इन इट, जिसमें बहुत सारा पानी हो, इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। फिर डाइल्यूशन कैसे करते हैं हम एसिड का, है ना, अपने ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी के अंदर कंसनट्रेटेड एसिड को ऐड करेंगे। क्यों ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक साथ क्यों नहीं डाल देंगे, क्योंकि ये कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सो जब भी डाइल्यूशन करना होगा तो क्या करेंगे, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दस वी ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप कॉन्सनट्रेटेड एसिड इन वाटर। ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल दोज टर्म्स रिलेटेड टू एसिड, नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ओके, सो दोज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी, यू नो वेरी वेल दैट एसिड्स हैव अ सार टेस्ट, खट्टा होता है ना इसका टेस्ट। सेकेंड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, याद करवाया था मैंने, ए बी मतलब एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। फिर एसिड सॉल्यूशन कंटेन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड सॉल्यूशन उनको डाइल्यूट करके उनका सॉल्यूशन हम जब बनाएंगे ना तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। फोर्थ वन, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, थ्री प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीड। फोर्थ प्रॉपर्टी दैट मेटल के साथ में एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। देखो जिंक क्या है, मेटल है, H2SO4 क्या है, एसिड है, रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, ZnSO4 जो क्या है, सॉल्ट है, और इसमें H2 गैस रिमूव होगी, ठीक है ना, इवोल्व होगी, ठीक है। तो मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर, तो बुक में भी दी हुई है ये डायग्राम, मैंने भी बनाया है। देखो हमको बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, उसमें हमको जिंक ग्रेन्यूल लेने हैं, उसमें एसिड ऐड करना है, कोई सा भी अपने HCl भी ऐड कर सकते हैं, H2SO4 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब एसिड के साथ में जिंक का रिएक्शन होगा तो उसमें से हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस ये जाएगी वाटर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड से, हमको ये बबल्स निकले वो किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के हैं, जिसके पास में अगर हम इंसेंस स्टिक ले जाते हैं वो तो बहुत अच्छे से जलने लग जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हो गया, जिंक ग्रेन्यूल रिएक्ट्स विद H2SO4, इट विल प्रोड्यूस ZnSO4, दैट इज अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू।